कैसे हम सब, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और अभी बजने वाले हैं 3:30 और हम लोग जग गए हैं। आज तो मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और उसके बाद से काम धंधा पैकिंग शैकिंग करने में रात बीत गए और अभी निकलने का टाइम हो गया। और हम लोग का सुबह में 4:15 में ऐसे करके ट्रेन है, तो इसलिए अभी हम लोग निकलने वाले हैं। और आमा दीदी पापा लोग अपने घर चले जाएंगे, यानी कि मेरे ससुराल चले जाएंगे, और मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने भाई के तिलक में, यानी कि मेरा भाई का आज तिलक है, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, तो उसी के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर बाबू भी तैयार हो गया, उधर दीदी भी तैयार हो गई, इधर ज्योति जी भी तैयार हो गया, और आज मेरे पापा जी चले जाएंगे, और जो जो भी चली जाएगी, और दीदी भी चली जाएंगी। और दीदी इसलिए मतलब खुश है ना कि चलो पायल कुछ दिन बाद तुम्हें भी फिर से मौका मिल गया मायके घूमने का। तो इधर आमा भी तैयार हो गई हैं, और बाबू सुबह सुबह ना देखिए 3:30 बजे ही जग गया और भंगुआया है एकदम, नींद किसी का नहीं पूरा हुआ। मैं तो सोई ही नहीं हूँ, और नहीं तो दीदी जग करके बोल रही है कि तुम मायके जाने के खुशी में नहीं सोई हो ना। मेरा पैकिंग करते करते ना इतने टाइम हो गए कि बस उसके बाद से मुझे तैयारी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अभी सारे लोग निकल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है लॉक, और अभी यहाँ पे बैग मेरा रखा गया, तो लेके निकली बाबू चैनल कर रही है भाई। पापा जी को प्रणाम कर लो। ज्योति उग्र गोदी में ले ला। हम लोग चल दिए जी अपने अपने मंजिल की ओर। कॉपी राइट डाल जरूरी बा। बाबू का सारा ना चालू हो गया गाड़ी में, और बाबू कहाँ पहुँच गया? दादी से, दादी के पास से मम्मा के पास। तो जी हम लोग पहुंच गए काशी। खुली गेट यहाँ से दीदी खुले। ए फारू देखो फाइल, गाड़ी का फाइल। जी हम लोग आ गए हैं काशी, और काशी में है आमा का ट्रेन, मतलब आमा पापा लोग का ट्रेन, और मेरा ट्रेन है कैंट से। तो अभी इन लोगों को ट्रेन पर बैठा कर फिर मैं निकलूंगी कैंट के लिए। स्टेशन पे पहुंचते हैं अपने बुआ और दादाजी को लेकर के। ये सुबह सुबह कौन 4 बजे सुबह में कोल्ड ड्रिंक पीता है? चलो दादाजी सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक खरीद भी दिए। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, अभी ट्रेन के आने में 10 से 15 मिनट टाइम है, तो सभी लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। क्या कर रही है ज्योति जी पर्स में? कुरकुरे खाएंगी। ट्रेन आने वाली है, आप तो सारे लोग चले जाएंगे। बाबू बाबू चला जाएगा अपने मम्मा गाँव। आए सरू तुम भी चल जाओ, तुम चले जाओ दादी जी दादाजी के साथ। चल जाओ फिर, दादी अम्मा के साथ नहीं जाओगे? चले जाओ, जो जो के साथ चल जाओ, जो जो के साथ चल जाओ। अच्छा हम चले दादी अम्मा के साथ। आए सरू हम चले जाए दादी अम्मा के साथ। तो जी आ गई ट्रेन, और सभी लोग से विदा लेने का समय आ गया।
खाली है सब, अच्छा से आप लोग बैठ के चल जाएंगे। हाँ हर्षित खोलो इसको, खोलो इधर खाली है। हर्षित चल हाथ दो, झोला दे दो, बैठ गिर यार। बाय बाय, बारी बारी दादी जी तो चली गई, फिर हम लोग चलेंगे। बाय 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 जीजो, लोग चले गए हैं और मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ कैंट, क्योंकि मेरी ट्रेन कैंट से है मेरे मायके के लिए। जी हम लोग आ गए हैं बनारसी जंक्शन पर और अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि मेरा पहले से टिकट हुआ नहीं था और मुझे बनारस से जाना है बक्सर के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम टिकट लेने के लिए और बाबू और हर्षित अभी गाड़ी में ही है, क्योंकि अभी ट्रेन आने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे। तो अभी हो गई सुबह और हमें मिल गई टिकट, तो अभी जाएंगे हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन आने वाली है। तो जी हम लोग उतर गए हैं बक्सर स्टेशन पर और इतना इस ट्रेन में भीड़, इतना ट्रेन में भीड़ कि आप लोग देख सकते हैं पैर रखने तक का जगह नहीं था, और ऊपर से तत्काल में टिकट लिए थे हम लोग तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। हम लोग उतर गए बक्सर स्टेशन पर और अभी यहाँ से जा रहे हैं घर के लिए। हम लोग बक्सर स्टेशन से पकड़ लिए गुलंबर के लिए टोटो और अभी जा रहे हैं घर के लिए। पहुँच गए गुलंबर हम लोग और ले लिए यहाँ पे मिठाई। मेरा भतीजा और मेरी मम्मी आ रही है लेने के लिए। तो जी अभी अभी आ रही है मेरी दीदी, ऐसा नहीं है कि हम ही एक लेट से आए थे, अभी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो अभी अभी आ रही हैं और ये दीदी भी अभी अभी आ रही हैं। जितनी दीदी लोग देखेंगे ना आप लोग, देखिए दिन में अभी सजावट आप लोग को दिख रहा है, अभी तो ऐसे ही है। तो घर में सारे लाइट लग चुके हैं और ये है हमारा घर। तो बड़े पापा यहाँ पे कल पे कुछ काम कर रहे हैं और आंगन में पूरा लाइट लग गया है, रात को लाइट जलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लग चलने से पहले यहाँ पे हो रहा है पैर की रंगाई। दीदी आपका रंगवाना है ना, तभी मेरी भाभी जी रंगवा रही हैं पैर, और छुड़ा उड़ा पहन के पहले से तैयार हो चुकी हूँ। वह अभी ऐसा अभी आप लोग देख सकते हैं अभी धूप है, तैयारी अभी से चालू। अरे भाई बहुरिया लोग हैं, थोड़ा सा तैयारी होने में टाइम लगता है। तो जी हम आ गए हैं अपने घर पर और यहाँ भी अभी लोग सारे लोग सो रहे हैं और ये है मेरी बेटी, यानी कि मेरी दीदी की बेटी, लग रही है ना अपने मासी की जैसी। और चलिए आप लोग से मिलवाते हैं। और ये मेरे बड़े पापा हैं जो कि अभी खाना खा रहे हैं और ये मेरा भतीजा है। गाइस सारे लोग सो मार रहे हैं, अभी सो चल रहा है और हम भी जा रहे हैं थोड़ा सा सो जाने, क्योंकि रात भर हम भी जगे हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और गाइस मेरा अगला ब्लॉग ना बहुत मस्त आने वाला है और उसमें ना बहुत सारे लोगों से मैं आप लोग को मिलाने वाली हूँ, और कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे बहुत सारा चीज़। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। और मैंने ये ब्लॉग को ना सुबह से ही चालू कर रखा था, तो इसलिए मैं अभी इसको ख़त्म कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।